अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दाल तड़का की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने 2 कप भर के इस कप की नाप से मैंने मेजरमेंट से मैंने 2 कप दाल ली है और इसमें आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखी मिर्ची और हसब जायका नमक डालकर मैंने इसे 2 सीटी ले ली है, अच्छे से उबाल लिया है और मथानी की मदद से मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने इसे फेंटा नहीं है, बहुत ज़्यादा मैंने इसे मिक्स नहीं किया बल्कि हल्का सा दरदरा रखा है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इसे 2 सीटी फास्ट फ्लेम पर ले लीजिए और इसे अच्छे से उबाल लीजिए। अब हम इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। ये हमने पैन रख दिया गर्म होने के लिए और अब हम यहाँ पर तड़के की तैयारी करते हैं। उम्मीद करिए कि आप अगर इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से दाल बनाएंगे, क्योंकि ये दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही आसान भी है और बहुत ही अच्छी लगती है। आप इस तरीके से ज़रूर तैयार करें। आप हसबे ज़रूरत ऑयल यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ऑयल लिया है और मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज की प्याज काटी हुई है। आप पहले प्याज इसमें ऐड करेंगे। मैंने इसमें प्याज डाल दिया, इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम जो है इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो डाल देंगे और कुछ सेकंड इसे अच्छे से भून लेंगे। हमने यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को 10 से 15 सेकंड भून लिया। ये 2 टमाटर मैंने मीडियम साइज के काटे हैं, 4 हरी मिर्ची ली है मैंने, बीच से स्लाइस करके छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। अदरक लहसुन और इसमें टमाटर मिर्च डालकर अच्छे से पकाएंगे इसे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करके, और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इतनी देर पका लेंगे कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला था। तो यहाँ पर ख्याल रखेंगे कि ज़्यादा नमक ना डालें, थोड़ा ही नमक डालें और उस वक्त तक पकाएं जब तक ये टमाटर हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। इसलिए मैंने आप फ्लेम को धीरे कर दिया है और इसे 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। आइए देखते हैं हमारी ये जो टमाटर हैं वो गले हैं कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह टमाटर जो हैं अच्छे तरीके से गल गए हैं और इसे हम जो है मैश कर लेते हैं अच्छे से। अब इस स्टेज पे जो हमने दाल गला कर रखी थी कुकर में, ये पूरी दाल हम जो है इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान रहे आपको इस बात का कि हम जो है यहाँ पर दाल तड़का बना रहे हैं, तो यहाँ पर तड़का 2 बार लगेगा। ये अभी 1 बार लगा और अभी हम इसे ऊपर से 1 बार और तड़का देंगे। ये बहुत थिक है, अभी इसे हम थोड़ा पानी डालकर पतला करते हैं। मैं यहाँ पर 2 मग पानी डाल रही हूँ, 2 बड़े कप, और इसे अच्छे से हम जोश ले लेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा, ये दाल अच्छे से जोश, इस दाल में अच्छे से जब जोश आ जाएगा तो हम जो है इस पर ऊपर से तड़का देंगे। चलिए इसे 5 मिनट के लिए फिर से लिड लग कर रख देते हैं और 5 मिनट बाद इसे हम तड़का देंगे। इसे जोश आ गया है, अच्छी तरीके से पक गई। अगर आप यहाँ पर इसे और पतला करना चाहती हैं तो और पानी ऐड कर सकती हैं, और ऐसी अगर थिक रखना चाहती हैं तो थिक रख सकती हैं। अब हम जो है इस पर एक और तड़का देंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर पैन रख दिया है गर्म होने के लिए और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। साथ ही तड़के के लिए हमने यहाँ पर ली है 10 से 12 करी पत्ते, 2 मिर्चियाँ। आप ये बड़ी वाली मिर्ची ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इसका फ्लेवर और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है दाल में। मैंने लिए यहाँ पर 1/4 चम्मच हींग के और 1/2 छोटी चम्मच जीरा लिया है। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमारा जो तड़का है वो रेडी हो गया है, अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हमने थोड़े से हरे धनिया काट के रखा था वो भी डाल देंगे और ये हमारी दाल बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।